मित्रों नमस्कार, साथियों नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब परिवार अपने कुटुंब सहित प्रसन्न चित्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। सब लोग अच्छे तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे, घर में रह रहे होंगे, मास्क लगाए रहते होंगे, ऐसी उम्मीद है और ऐसा होना भी चाहिए। कल का बच्चों के विषय में हमने बहुत सी बातें बताई। आशा है हमारे इन बच्चों को, हमारे नन्हे मुन्नों को भी बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी। मित्रों, एक बात मैं आज शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि आज आपके पत्रों का उत्तर देने का दिन है। बहुत दिनों के बाद हम आपके पत्र ले पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत सारे, अभी एक दो ईमेल आए तो उनका जवाब क्या देना, बहुत सारे ईमेल आ गए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स के हम उत्तर दे सकें, और ईमेल से हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। मित्रों, हम कहना चाहेंगे ईमेल पाकर आपके उत्साह फिर नूतन भरा है, ईमेल पाकर आपके उत्साह फिर नूतन भरा है, माहौल में गर्मी भरी है, माहौल में गर्मी जगी है, माहौल में गर्मी जगी है, दृश्य फिर फैला हरा है, दृश्य फिर फैला हरा है। आइए हम आज कुछ आपसे चर्चा करें, आइए हम आज कुछ फिर आपसे चर्चा करें। आपके ही प्रेम को दिव्यांगम चैनल बढ़ा है, आपका ही प्रेम पा दिव्यांगम चैनल बढ़ा है, आपका ही प्रेम पा दिव्यांगम चैनल बढ़ा है। सब कुछ मित्रों पूरा देखेगा। आज आपके बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मनोरंजक ईमेल आए हैं, और बड़े अफसोस भी है, बड़ी खुशियां भी हैं, कहीं पर टकराव भी है, कहीं पारिवारिक विवाद भी है। पूरा वीडियो देखिएगा। हम आज बहुत दिनों के बाद आपके पत्रों का उत्तर दे रहे हैं। तो मित्रों, लेकिन एक बात पहले बता दूं, आज इसको आप वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाने में पूरी अहम भूमिका निभाइएगा। कारण यह है कि हम आप लोगों का प्रेम पाकर के बड़ी तेज़ी से वॉच टाइम हमारा बढ़ रहा है। कल हमने हमारा वीडियो, परसों हमारा वीडियो 37 घंटा देखा गया, तो एक दिन 60 घंटा देखा गया। तो इस तरीके से आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, इससे हम बहुत ही अभिभूत हैं, बहुत ही खुश हैं। मित्रों, अब हमारे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हैं, और इन 1000 सब्सक्राइबर के द्वारा कुछ लोग, अभी तो बहुत कुछ लोग, 100-200 लोग ही ठीक से पूरा हमारा वॉच टाइम चैनल देख रहे हैं। सब लोग अगर जिस दिन देखने लगेंगे तो आपका ये अपना चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। मित्रों, सबसे पहले हम आज केवल 10 पत्र लेंगे। पहला पत्र है हमारी कंचना जी का। कंचना जी बिहार पूर्णिया से लिखती हैं कि मुझे आपके चैनल से बड़ी नाराज़गी है। नाराज़गी का कारण क्या है कि इधर 10-15 दिन से आप लगातार कोरोना 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 पे ही बातें कर रहे हैं। अब चूंकि कोरोना की बात चली तो दूसरा भी पत्र कोरोना से संबंधित है, ठीक इसका विपरीत। यह पत्र है हमारे सीतापुर जनपद के महमूदाबाद से वीर विक्रम लिखते हैं। वीर विक्रम जी लिखते हैं कि आपने इधर कोरोना पे जो आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करके हम लोगों का उत्साह बढ़ाया है, इससे हमको लगा कि वास्तव में कोई हमारी परवाह लेने वाला चैनल है, कोई हमारे विषय में भी चिंतित है। ये जान के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब देखिए, दोनों पत्र में एक दूसरे का जवाब मिल गया। आप कह रही हैं कि कोरोना कोरोना से ऊब गए हैं, चैनल पे भी बहुत लंबा पत्र है आपका, चैनल पे भी आता है, सब कहीं आता, कुछ अच्छा बताइए, कुछ मनोरंजक बातें बताइए। आप बताइए, जब चारों तरफ हमारे कोरोना की ही बात हो रही, कोरोना का पूरा बढ़ रहा है, तो हम अगर उसकी बात नहीं करेंगे तो हमारा
हमारी जिम्मेदारी से हम अलग हटेंगे। दूसरे पत्र में, और हमने अपने सारे कोरोना के जितने एपिसोड भेजे हैं या जितने एपिसोड अभी चलाए हैं उन पे सिवाय सकारात्मक बात, आपका उत्साह वर्धन करने के लिए, कहीं निराशा की बात नहीं। हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी और जल्दी आएगी सुबह, इसी बात से। दूसरा पत्र हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा से सुरेश नायक लिखते हैं। सुरेश नायक जी लिखते हैं कि कोरोना काल में आपने भी बहुत सी सकारात्मक बातें बताई। हमारे यहाँ तो कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है हम आपको उन सब चीज़ों पे, विशेषकर एक्सरसाइज हम बहुत करते हैं, और एक्सरसाइज का जो संदेश दिया है वो हमारे लिए बड़ा रामबाण हो रहा है। हम कपालभाती, अनुलोम विलोम ये सब करते हैं। बहुत अच्छा नायक जी, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा, दूसरों को भी ऐसी बात करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरा चौथा पत्र ये है हमारे जयपुर से माही और उनके पति रमेश विद्याम और माही जी ने लिखा है कि हम दोनों लोग पत्नी हैं, हमारे पति जो है अपनी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी दुकान थी जिस पे इस समय दुकानें बंद हो जाती हैं, कभी कोई आता नहीं है, और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ, अच्छा खासा सैलरी मिलती है। मेरे पत्नी में दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन इन दो महीनों में हम लोग बहुत आपस में झगड़ा लग गए। दोनों लोग अलग अलग ईमेल करके, एक ही ईमेल में दोनों अपनी अपनी बातें, पहला पैराग्राफ उनका, फिर दूसरा उनका, फिर तीसरा उनका, उस पर अपना नाम भी लिखा है। पहले पैरा उन्होंने लिखा कि ये हमसे तरह तरह के हर समय खाना बनाने की बात करते हैं, तो वो लिखते हैं कि जब बाज़ार से खाना खाने की बात बंद है तो मैं खाना खाने की बात नहीं करूँगा तो क्या करूँगा घर पे बनाने की। तो वो लिखते हैं कि मैं चाहती हूँ कि पास सुपाच्य भोजन, मतलब डाइजेस्टिव चीज़ें बनाई जाए, और ये तला भुजा बनवाने की बात करते हैं। तो फिर वो नीचे लिखते हैं कि जब तला भुजा हम बाहर से नहीं खा रहे हैं तो घर पर अगर नहीं बनवाएंगे तो कहाँ बनवाएंगे। अब बात वो कहती है कि मैं इस समय कहती हूँ कि नॉन वेज न खाया जाए, लेकिन इनका बिना नॉन वेज के गुजारा नहीं, हर दिन ये कोई ना कोई नॉन वेज खाने की बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि दिव्यांगम चैनल से, हम दोनों लोग दिव्यांग हैं तो इसलिए दिव्यांगम चैनल से हम इसका समाधान करते हैं। देखिए इसमें हमको तो लगता है लड़ाई झगड़ा तो कुछ है ही नहीं, इसने आपने इसका लड़ाई का नाम दिया, इससे मैं वो नहीं हूँ। आप लोगों का ये प्यार दर्शाता है, दोनों एक दूसरे से, दोनों की बातें सही हैं। वो भी अब जब कहीं खाने पीने जाएँ तो ये ऐसा करिए, अति न करिए, हफ्ते में एक दिन इनकी बात पसंद कर लीजिए, और आप भी नॉन वेज ज़्यादा ना खाइए, नॉन वेज भी हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन इस तरीके से खा लीजिए। आपकी पत्नी जो कह रही है सही कह रही है, आपके लिए सही कह रही है। और बहुत इस समय लेने जाना कहाँ कैसा है, कोरोना का किस तरीके से है, तो इस प्रकार से, खैर मैं आप नहीं जानता कि आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा संयम रखें, और दोनों में बहुत प्रेम है और ये प्रेम बढ़ता रहे ये मेरी शुभकामनाएँ हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने कहा कि मेरी सालगिरह है, थी 22 अप्रैल को, और इन्होंने सालगिरह पे कहा कि बहुत सा वेडिंग सेरेमनी, मतलब वैवाहिक सालगिरह थी, तो उस पर इन्होंने कहा कि बाहर चलते हैं, हमने मना किया। मुझे लगता है कि आपका मना करना जायज़ था, और बाहर तो इस समय कतई जाने वाला नहीं है, तो सालगिरह आपने अपने 22 अप्रैल को अपने घर पे मनाई, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का दाम्पत्य जीवन यशस्वी रहे, आप लोग इसी तरीके से प्रेम से रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, उनको शिकायत करने का अधिकार है और आपको उनका समाधान और अपने नियंत्रण करने का आपको भी अधिकार है।
तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। तीसरा है नंदा, नंदा जी का। नंदा जी कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा विवाह 1 साल पहले हुआ है, मेरी पत्नी अपनी अपने घर पर रह कर के वहाँ पर अहमदाबाद में रहती हैं और मैं ग्वालियर में रहता हूँ। अब हम लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं, न जाते हैं न कुछ बात कर पाते हैं, तो बड़ा सा उलझन होती है इसका, हम क्या करें कैसे करें। देखिए मित्रों, इस समय कोरोना काल है आपका, मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार की आपकी बेबसी है, किस प्रकार से आपकी निराशा है। सही बात, दोनों नव दंपति, युवा दंपति अगर अलग अलग रहें तो थोड़ा सा कष्ट कर जरूर होता है, लेकिन इस समय थोड़ा कष्ट सहन कर लेना बेहतर है वनस्पति कि दूसरे प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट आ जाए। और आप लोग इस समय मिल सकते हैं, वीडियो कॉल करके बात कर लिया करिए, खूब बातें करिए, खूब प्रेम उत्साह की बातें करें, एक दूसरे का भरोसा दिलाएं। निराशावादी और अवसाद वाली और दुखद और चिंता वाली बातें मत करें, रोमांटिक बातें करिए, प्यार भरी बातें करिए और आगे के अपने जीवन के मूल्यों के ऊपर बातें करिए कि कैसे परिवार बढ़ाएंगे, कैसे हम आगे जो है अपना घर रहन सहन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। और आशावादी रहिए, ईश्वर की बातें करिए, भगवान की बातें करिए, कभी कभी कुछ क्रिएटिविटी पर बात करिए, एक दूसरे प्रतियोगिताएं बात करिए, कुछ लिखिए, उसके उस पर उनसे समाधान पूछिए, कुछ उनसे पूछिए, इस प्रकार से बातें करिए, कुछ मनोरंजक बातें करिए, हंसी मजाक की बातें करिए। तो ये सब प्रकार से है। एक पत्र आया है सुवेग अंसारी, सुवेग अंसारी है, पता नहीं अंसारी समझ में आ रहा है VH है या VH है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। सुवेग अंसारी, तो ये अंसारी साहब कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ इस समय पवित्र माह, रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है, हम लोग रोज़ा रहते हैं, सब कुछ करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये कोरोना की महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। एक बात बताइए, क्या इस बार हमें ईद घर पे ही मनाना चाहिए, किसी के यहाँ जाना आना नहीं करना चाहिए? अब हम कभी तो जा नहीं पाते, इस बार हम जाने को सोच रहे थे और मेरी तो बड़ा उत्साह रहता है, मैं बस अपनी ट्राई साइकिल चला के जाना चाहता हूँ। तो अंसारी साहब, बहुत अच्छी बात है आप जाना चाहते हैं, लेकिन इस समय न जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। आप फ़ोन पे उनको सबको मुबारकबाद दीजिए, फ़ोन पे उनसे मुबारकबाद लीजिए, हैं, और अपने बड़ों से उनको शुभकामनाएं करिए, छोटों को भी बातचीत करिए, लेकिन जाए नहीं, क्योंकि इस समय बड़ा रिस्की है। और ईद हमेशा आपके परिवार का, आपके समृद्धि का त्यौहार है, तो इस समृद्धि के त्यौहार में आपकी खुशहाली रहे, आपका समाज अच्छा हरा भरा रहे, आपका परिवार अच्छा भरा रहे, हमेशा देश निरोगी रहे, यही आपको सोचना, यही ऊपर वाला खुदा भी यही चाहता है, तो इसलिए घर पे रहें, बाहर जाता ना जाए, यही शुभकामनाएं हमारी हैं। एक मैं और बात बताता हूँ, अभी तक के जो हमारे पत्र आए हैं उसमें जो नियमित हमारे पत्रों के ऊपर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले हैं उसमें मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, तो या नाम आप विश्वास से पत्र आ रहा है, एक व्यक्ति का रोज़ कमेंटों करते हैं, बहुत अच्छा है। और गोरखपुर से भी एक बहन का नियमित पत्र, नियमित कमेंट आते हैं, तो वही लोग दो लोग आगे चल रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने एक घोषणा करी है, तो आप लोगों को ये लगना चाहिए कि वास्तव में इसका असेसमेंट हो रहा है। तो दो पत्र, ये दो लोग ज़्यादा इस पे अपनी राय देते रहे हैं और आगे ये इसके ऊपर हम पुरस्कार भी जल्दी घोषित करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति कमेंट नहीं कर रहा है तो इन पुरस्कारों से वंचित रह सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और प्रत्येक वीडियो पे कोई ना कोई कमेंट करिए तो आपको बहुत अच्छा पुरस्कार मिलेगा, 2000, 1000, 500।
इस तरीके के पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो इन पुरस्कारों पे आप क्यों पीछे रह जाएं? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस पे भाग लें, बहुत अच्छी बात है। और मित्रों, सोच रहा हूं कि 15 मिनट से ऊपर हो गए, हमें 16 मिनट दिया गया, एक पत्र और ले लेता हूं। कमलकांत ये हमें लिख रहे हैं लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। आपका चैनल बहुत बढ़िया है, आपके चैनल पर दिव्यांगों को हमेशा, हमारा एनजीओ चलता, मैं दिव्यांग नहीं हूँ लेकिन दिव्यांगों के लिए एनजीओ चला करके दिव्यांगों के लिए मैं अच्छा काम करता हूँ, तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप दिव्यांगों के लिए व्यवसाय, नौकरी और उनके पढ़ाई लिखाई के, उनके दुकानों के, वे सब पर तो आप बात बताते हैं, तो जो चीज़ें मैं क्या आपको सलाह दूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, दिव्यांगों के लिए वैवाहिक मामलों पर एक विशेष प्रोग्राम आप चलाइए, हमेशा एक दिन वैवाहिक रिश्तों को बनाने के लिए आप कुछ प्रयास करें। निश्चित रूप से कमलकांत जी, मैं इस पर प्रयास कर रहा हूँ, और इस पर अब थोड़ा सा ये सब कोरोना काल की वजह से कुछ न कुछ डिस्टर्ब है मामला, लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि हमारे पास जब रिश्ते आएँ, लोग बताएं कि हमारे पास हमको विवाह करना है, लड़के लड़कियों सबके आएँ, तब फिर हम उनके विषय में कुछ बताएं, उस पर योजना बनाएं। अब हम योजना बस उनको कैसे विवाह करना चाहिए इस पर तो हम कई बार एपिसोड दे चुके हैं, फिर दे देंगे, फिर बतवाएंगे अपने विशेष। अब हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ आ ही नहीं पा रहे हैं, जो हम उनको अपने स्टूडियो में बुला करके उनसे कहें कि वो आपके विषय में कुछ परामर्श दें। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, और आप अपने जो है विचार हमें ज़रूर लिखिएगा प्लीज। अगर आप और हमारा वॉच टाइम ज़रूर बढ़ाइए प्लीज, बहुत जल्दी हमारा वॉच 4000 पहुँच जाए, मोनिटाइजेशन हो जाए, तो विकलांगों का भला होगा, दिव्यांगों के कल्याण, इसके ऊपर एक भी कोई व्यक्ति, कोई बंदा एक रुपया नहीं लेगा, सिर्फ दिव्यांगों के कल्याण पे, उनके पुनर्वास पे, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके वैवाहिक स्थितियों को संभालने के लिए, ज़रूरतमंद के इलाज के लिए, इस पे ही खर्च होगा। जो भी आएगा YouTube अगर कुछ देता है तो, और वो भी देगा तो आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से, अगर आप वॉच टाइम बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे तब। हैं मित्रों, मुझे लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मैं कोई आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज हैं मित्रों, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे जब आपके पत्र आ जाएंगे। अभी मैं कोई डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मिलेंगे जब पत्रों के उत्तर हम मंगलवार को ही देंगे, आज ही के दिन। नमस्कार।